सपनों से आगे हटकर भी कुछ लोगों की सोच रहती है, अपने देश की, अपनी जाति की, अपने समाज की। आज दिनेश सिंह की ओर से हम आपको ऐसी ही एक विलक्षण शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं, जो कि देश की आज़ादी में उन्होंने न केवल भाग लिया वरन सिंधी समाज की ऐसे गणमान्य स्वतंत्रता संग्राम में सैनानी का नाम उन्होंने दर्ज कराया जिस पर सिंधी समाज को फख्र और नाज है। आइए हम उनसे आपको मिलवाते हैं। हमारा पिताजी जो है वो बॉम्बे में कलेक्टर था, कलेक्टर ऑफ बॉम्बे इन 1920। उसके बाद जो है हमारा जन्म हुआ सिंध में मिठियाणी विलेज में, क्योंकि हमारा ग्रैंडफादर जो है ये बहुत बड़ा जमींदार था। 1942 की जो मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, आपने कैसे इसमें भाग लिया, आपको उसकी प्रेरणा कैसे मिली? तो जब ये मैट्रिक में था तो जोर शोर से हो गया वो अपना मूवमेंट। तो क्या हुआ, जो वहाँ का जो इंचार्ज था कांग्रेस का, उसने बोला तो आपके घर में जो है हम लोग बुलेटिन निकालेंगे। बुलेटिन निकालने के लिए जो आपने टिकट खरीद कर लिया वो पैसा हम आपने दे दिया था, और सात लड़का लोगों ने सिलेक्ट किया जो सारे हैदराबाद में सुबह में बुलेटिन जो है निकाल के ले जाएंगे बांटने के लिए। ऐसे करके 4 महीना ऐसा हम लोगों ने किया, फिर पुलिस ने हमको पकड़ लिया। हमको बोलता है अपना जज, बोलता है क्यों बेटा तुमको शौक को ऐसा कैसे हो गया? मैंने बोला शौक की बात नहीं है, हमारे अंदर से आवाज़ आया। तो फिर बोला कितना दिन तुमको जेल पे हूँ? हमने बोला तुम्हारे पर थी तुमको 4 महीना हम जेल देता हूँ। 4 महीना जेल हमको मिल गया। फिर हम वातकड़ी डाल के हैदराबाद ले गए, हैदराबाद सेंट्रल जेल, वहाँ जाके हमको रखा। सच्चे की माँ है धोरण पे, मैं समझता कि एक बुजुर्ग स्वतंत्रता सेनानी कहीं नहीं, जिन्होंने बहुत लोगों को प्रेरणा दी है, अपने माँ बच्चे के अलावा भी देश के हर आदमी मोटिवेट किए ने और आज भी करें दे। और मैं कहना इन्हों का बहुत बड़ा एहसान है, और इन्हों का ही नहीं जितने बुजुर्ग हैं उन्हें सबका एहसान है। तो मैं कहना सुनो गौर से, ये मेरी अर्ज है, इन बुजुर्गों का हम पर बहुत कर्ज है। सुनो गौर से, ये मेरी अर्ज है, इन बुजुर्गों का हम पर बहुत कर्ज है, करें खिदमत इनकी दिलो जान से। ये ऐसा नहीं मगर फर्ज है, ये ऐसा नहीं मगर फर्ज है। मैं सदके थी माँ दी ढोलन पे, मैं सदके थी माँ दी ढोलन पे, फुल किंडे हैं जन बोलन पे, फुल किंडे हैं जन बोलन पे, सब एक के सिंधी खुल सीन, सब एक के सिंधी खुल सीन, ही ढोलन पे खुद ढोलन पे, मैं इतना कहूँगा कि हम बड़े भाग्यशाली हैं जो सिंधी समाज दादा मोतीलाल जी के बहुत बहुत आभारी हैं, पूरे सिंधी समाज, पूरे हिंदुस्तान के जितने भी हैं सब आभारी हैं। जो फ्रीडम फाइटर हमारे दादा मोतीलाल जी से हमारा भाग्यशाली मुलाकात हुई है, और बहुत बहुत इस चीज़ में धन्यवाद। मेरे 3 भाई हैं, बड़े भाई का नाम है सुरेश बख्तियारी जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से मैनेजर करके रिटायर हुए। मैं सिविल इंजीनियर हूँ, पहले मैं सीपीडब्ल्यूडी में काम करता था, फिर मैं बाहर चला गया सऊदी अरब यूरोप, अभी मेरा अपना कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, वो NGC ऑल इंडिया के साथ में काम करता हूँ। और छोटे भाई जो हैं वो इंडोनेशिया में अपना बिजनेस है उनका।